कि मात मनाऊ मैं तो शारदा यार जगता पे हम चले यार मेरे।
51 आख्यान है रामायण का प्रसंग सुनाने के लिए जा रही हूँ। बरवा केशट के माध्यम से आप श्रवण करेंगे शास्त्री लता यादव की आवाज में। तो आइए भक्तों, कहां से प्रसंग शुरू करती हूँ। जब राम का जन्म हुआ तब दशरथ जी की उम्र कितनी थी? उस समय 60,000 साल की थी। देखिए, जब दशरथ के कोई संतान नहीं हुई तो महाराज दशरथ जी दुखी हो गए, लेकिन तुलसीदास ने यह भी शंका कर दी और क्या कहते हैं कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही देखिए इस बात की क्या है कि कब उनके मन में गिलानी हुई थी। तो देखिए, महाराज दशरथ ने एक बार एक हिरण का पीछा किया, भागते भागते हिरण थक गया और बोला, सुनो महाराज, हमें क्यों दुखी कर रहे हो? तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन हमें मार नहीं पाओगे। महाराज दशरथ ने कहा, क्यों? कहा, देखो, हमें एक वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? तो उसने जवाब दिया कि जिन राजा के सुत ना होई तिन पे मेरा मरण ना होई। जिन राजा के सुत ना होई तिन से कितनी भी कोशिश करो लेकिन मेरी मौत नहीं है, क्योंकि जिन पर संतान नहीं होगी, मुझे वरदान मिला है, उनके द्वारा मेरा मरण हो ही नहीं सकता। उस दिन महाराज दशरथ जी को चिंता हो गई, मन में सोचने लगे कि अब क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो इस सोच करके मन निराश हो गया कि सुनो अयोध्या पति दशरथ की एक कथा विचित्र सुनाती हूं। कौशल्या के कई सुमित्रा थी, अब रानी तीन बताती हूं। दशरथ के यहां तीन रानियां थी, फिर भी राजा नेह संतान थे। भाव भक्ति स्वरूपा महारानी कौशल्या, क्रिया शक्ति स्वरूपा महारानी सुमित्रा और महारानी केकई, लेकिन फिर भी नेह संतान थे।
सब प्रकार का आनंद है। तो महाराज सोचते हैं मुझे क्या करना चाहिए कि सब उत्तर है प्रभु की माया थी, संतान से न दुख से न सके, गम के दरिया में डूब रहे दुख भरी कहानी कह न सके। महाराज दशरथ सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जीवन में कभी दुख दर्द आए तो अपने गुरुजनों को बताना चाहिए। महाराज दशरथ ने देखा और गुरु वशिष्ठ के पास में आए, चरणों में प्रणाम किया और बैठकर के कहने लगे, गुरुजी मेरे जीवन में सब प्रकार का आनंद है लेकिन एक ही कष्ट है। क्या? मेरे बाद इस गद्दी का अधिकारी कौन होगा? कोई बारिश नहीं है, इसलिए क्या करना चाहिए? जोड़ कर हाथ दशरथ ने मुनिवर से उचारा है, मदद कीजिए, हमारी पुत्र नहीं है और नारी पिन कंठ के स्वामी मेरा पिन कोप के जैसे, नारी
महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा, देखो मेरे कोई संतान नहीं है, सब प्रकार का आनंद है, लेकिन इसी बात का दुख दर्द है। इससे आगे राज्य को कौन चलाएगा? तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, आप घबराइए मत, आप ऐसा कीजिए, चलकर के जाइए और पुत्र काम शुभ यज्ञ कराइए, अवश्य आपके यहां संतान होगी, चिंता मत कीजिए। जब ये देख करके और महाराज दशरथ वंदन करते हुए चल करके आए हैं कि आरे तब श्रृंगी ऋषि बुलवाए, गुरु वशिष्ठ ने कहा श्रृंगी ऋषि को बुला करके आप यज्ञ कराइए। अरे तब श्रृंगी ऋषि बुलवाए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराए, अरे तब यज्ञ के बाप प्रगटाए, अरे तब यज्ञ के बाप प्रगटाए, तब ही मन मन सफल पाए। आज गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराज दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, बड़े बड़े संत महात्मा चलकर के आ गए, यज्ञ का शुभ आरंभ हुआ। तो ये देख करके तीनों रानियों को बुलाया गया, सभी बड़े प्रसन्न हैं और प्रसन्न होते अयोध्या की प्रसन्नता की तो आनंद की बात क्या कहें। जैसे ही पुत्र कामशु यज्ञ होने लगा तो ऐसी कृपा हुई कि अग्न देव झट से प्रगट हो गए, अग्न देव झट से प्रगट
देव झट से प्रगट हुआ हो गए, अग्नि देव झट से प्रगट हुआ हो गए। तीरी का परिसादन पिको देखाए, तीरी का परिसादन पिको देखाए, अग्नि देव झट से प्रगट हुआ। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में से खीर का प्रसाद लेकर के और अग्नि देव प्रकट हो गए। महाराज दशरथ जी से कहा, लो इस प्रसाद को अपनी रानियों में बांट दीजिए। जैसे ही महाराज दशरथ आए रानियों के पास में तो क्या किया, दुभाग कौशल्य दीना, ओ भये भाग आधा कर लीना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ आए और जैसे ही प्रसाद दिया तो आधा भाग अर्ध भाग माता कौशल्या को दे दिया। अब महाराज दशरथ ने सोचा कि अब इसका क्या करूं, तो उसमें से उभय भाग आधे में से आधा कर लेना, दो भाग किए। और ये सोच करके माता केकई और माता सुमित्रा को दिया। जैसे ही दिया तो माता कौशल्या सोचने लगी कि सबसे प्रसाद ज्यादा मेरे पे है और मैं सबसे बड़ी हूं, तो इस प्रसाद में से मुझे प्रसाद देना चाहिए। तो ये देख करके उस प्रसाद को लिया और प्रसाद लेकर के उसमें से और माता केकई को दे दिया, इस प्रसाद को आप ले लीजिए। जब माता केकई पे प्रसाद पहुंच गया तो माता केकई ने सोचा कि मुझे तो प्रसाद मिल गया, लेकिन देखिए सुमित्रा को, कोई भी कुछ कहता है सबकी सहन करती है, बेचारी भोली भाली है, तो उसका सम्मान करते हुए वो प्रसाद सुमित्रा को दे दिया। जब प्रसाद दिया तब देख करके प्रसन्न होने लगी और तीनों रानियां गर्भवती हो गई। प्रसन्न होते हुए और पूरी अयोध्या में खुशी की लहरें हैं कि माया या परंपार प्रभु की हो गई रानी गर्भवती। समय समय की बात सज्जनों कही न जाए प्रभु गति, कही न जाए प्रभु गति।
आज बहुत खुशी है, प्रभु की लीला अपरंपार है, सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इस तरह से समय व्यतीत हो रहा है, नदियों में लहरें उठ रही हैं, पुष्प खिल रहे हैं, सभी देख करके प्रसन्न हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं कि जोग लगन ग्रह पार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर सुत जुत राम जन्म शोक मूल। योग लगन बार तिथि और नगाड़े चार चार घड़ी के अंतर में बजने लगे, घड़ी पल अनुकूल बन गए, चराचर सभी हर्षित हो गए। तब राम जन्म का दिन आया, सभी प्रसन्न हो रहे हैं कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभजित हरि नवमी के दिन ठीक 12 बजे प्रभु का प्रागट्य हुआ। सभी देवता विमान में बैठ करके अयोध्या पर चक्कर लगाने लगे। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, मन में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और स्तुति करके चल करके गए। जो दासी है सबसे पहली खबर लेकर के आती है और महाराज दशरथ के यहां पर आई सभा में कि तब तक आया संवाद नया। दासी नई खबर लेकर के आती है, महाराज बड़ी रानी कौशल्या के यहां एक पुत्र ने जन्म लिया है। महाराज गदगद हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जब एक कुशी संभाल नहीं पाए थे तब तक दूसरी दासी आती है और वो भी बड़ी सुंदर खबर लेकर के आती है कि तब तक आया संवाद नया, प्रगटा है कुमार के कई ने, जब तक आया संवाद नया। या संवाद नया
जन्म में है और माता सुमित्रा देवी के तो लाल इसी क्षण जन्म में है। दो लाल इसी क्षण जन्म में है, दो लाल इसी क्षण जन्म में है और माता सुमित्रा देवी के दो लाल, दो लाल इसी क्षण जन्म में है उन माता सुमित्रा देवी के। तब तक दासी खबर लाती है, महाराज महारानी कैकेयी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है। तब तक तीसरी दासी खबर लेकर के आती है कि महाराज सुमित्रा जी के यहाँ दो पुत्रों ने जन्म लिया है। महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और महाराज दशरथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत प्रसन्न है के भूप के सुनियो सुतचारी। और देवर ए अरसाई पुष्प नव सेवर सेवारी, वासी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और महाराज दशरथ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा, मोतियों की माला लुटाने लगे हैं, द्रव्य लुटाने लगे हैं, अपने हाथों से हार को तोड़ तोड़ करके फेंकने लगे, इतना खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत प्रसन्न है पूरे अयोध्या वासी, मंगल गान हो रहा है। वो राजा दशरथ के घर भय लाल अयोध्या में धूम मची रे, राजा दशरथ के घर भय लाल अयोध्या।
अयोध्या में बड़ा ही प्रसंग है और सभी पुरवासी मंगल गान कर रहे हैं। इतनी प्रसन्नता है, बड़े प्रसन्न होकर के और मंगल गान हो रहा है कि नबेरिनी नजरिया लगे जने हारी राघव हरे नबेरिनी नजरिया लगे जने बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और मंगल गान करते हैं। इतनी सुंदर अयोध्या की सजावट है, सभी बड़े प्रेम से और धूम मचा रहे हैं क्योंकि महाराज दशरथ के घर लाल का जन्म हुआ है और इतने दिनों बाद हुआ है तो सभी प्रसन्न हैं कि दशरथ घर जन्मे लाल हा लाल अयोध्या सजी रही फूलन तेरे दशरथ घर जन्मे लाल हा लाल अयोध्या सजी रही
देव मोस पवर सावे कोरोवासी मन में हर सावे नव से देव मोस पवर सावे कोरोवासी मन में हर सावे और रही जय जयकार हाकार आयो प्यास जी रही फूलन चेरे दशरथ घर जन्म लाल हाल यो प्यास जी रही फूलन से मन में खुशी कौशल्या रानी मीठी मीठी बोले वाणी मन में खुशी कौशल्या रानी मीठी मीठी बोले वाणी और मन में करती विचार घर जन्म लाल हाल अयोध्या सज रही फूलन से अयोध्या सज रही फूलन से अयोध्या सज रही फूलन से दशरथ घर जन्म लाल हाल अयोध्या सज रही फूलन से दशरथ घर जन्म लाल हाल अयोध्या सज रही फूलन से सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अयोध्यावासी प्रभु का जन्म हुआ है सब बड़े आनंद में हैं। ये चारों बालक बड़े सुंदर हैं। आज महाराज दशरथ का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कितना आनंद का समय है महाराज दशरथ के लिए। बड़े प्रसन्न होते हैं और ये देख करके आज गुरु वशिष्ठ को बुला करके चारों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया। कौशल्या के बेटे का नाम राम, सुमित्रा के पुत्रों का नाम शत्रुघ्न और लक्ष्मण, केकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। और एक बात और बता दें, बड़े चारों ही बालक सुंदर हैं। किलरी काही से ही राम लखड़ लक्ष्मण का प्रेम अपार हुआ उसी और भरत जी से अतहा उसी और भरत जी से अतहा शत्रुघ्न का अब प्यार हुआ थे फिर धीरे कौशल्या नंदन फिर धीरे कौशल्या नंदन चारों में सबसे बड़े करते फिर
चलते हैं घुटनों के बल माता बलिहारी जाती है। अब चलते हैं घुटनों के बल माता बलिहारी जाती है। देख करके और महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं। चारों सुकुमार बड़े हो रहे हैं, मैयाएं श्रृंगार करती हैं और इस जुगल जोड़ी पर बार बार माताएं बलिहार होती हैं, प्रसन्न होती हैं। ये देख करके महाराज दशरथ भी बड़े प्रसन्न हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की।